दोस्तों कुछ अरसा पहले हमने फ्लाइट 522 की मिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसे आज की डेट तक तकरीबन 40 लाख लोग देख चुके हैं। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फ्लाइट 401 की, जिसे घोस्ट फ्लाइट भी पुकारा जाता है। और ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी इस मेहनत पर आप लाइक का बटन प्रेस करके रिवॉर्ड दे सकते हो, और साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 की कहानी शुरू होती है 29 दिसंबर 1972 के रोज रात 9:20 पर 163 मुसाफिरों और 13 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 401 ने न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। इस जहाज को उड़ाने वाले कैप्टन बॉब लोफ्ट एक सीनियर पायलट थे जिनके पास लगभग 29,700 घंटे परवाज का तजुर्बा था। इनके को पायलट के तौर पर एक रिलेटिवली न्यू पायलट स्टॉक स्टिल मौजूद थे। साथ ही साथ फ्लाइट इंजीनियर की जिम्मेदारी डॉन रैपो के कंधों पर थी। टेक ऑफ के फौरी बाद जहाज के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पैसेंजर्स अपने अपने कामों में मगन थे तो वहीं क्रू मेंबर्स भी उनको सर्विस देने के लिए जुटे हुए थे। 2 घंटे की प्रवास के बाद जब लगभग 11:30 का वक्त हो गया तो उस वक्त जहाज को मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी करनी थी। इसीलिए सीनियर पायलट बॉब लोफ ने जहाज के लैंडिंग गियर के लीवर को नीचे किया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं कि लैंडिंग गियर सही तरीके से खुलने पर पायलट के सामने मौजूद गियर पर उसका रंग सब्ज हो जाता है, लेकिन उस रोज ऐसा नहीं हुआ। को पायलट स्टॉकस्टिल ने जब उस सिग्नल इंडिकेटर की तरफ देखा तो लीवर नीचे करने के बावजूद ये इंडिकेटर रोशन ही नहीं हुआ था। स्टॉक ने फौरन अपने कैप्टन बॉब को इस बारे में आगाह किया तो सीनियर पायलट ने एक मर्तबा फिर लैंडिंग गियर का लीवर उठाकर दोबारा गिराया, लेकिन फिर भी कोई फर्क न पड़ा। दोनों पायलट्स के लिए ये इंतहाई परेशानी की बात थी क्योंकि इस इंडिकेटर के सब्ज होने के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उन्हें मालूम हो सके कि जहाज का लैंडिंग गियर खुला है या नहीं, और बिना लैंडिंग गियर के जहाज को लैंड करवाना सीधा सीधा मौत के मुंह में जाने के बराबर था। पायलट ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को बताया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा, जिस पर उसे हिदायत दी गई कि वो फौरन अपने जहाज को 2000 फुट की बुलंदी पर ले जाए। बताई गई हाइट गेन करने के बाद बॉब ने अपने जहाज को ऑटो पायलट पर डालने का फैसला किया और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो को कॉकपिट में बुलाया। डॉन रैपो ने इस पूरे लैंडिंग गियर के सिस्टम को खोल डाला और उसे बारीकी से चेक किया, लेकिन सब कुछ चेक करने के बावजूद लैंडिंग गियर का इंडिकेटर नहीं जला। इस पर उन्होंने वो ऑटोमेटिक बटन दबाया जिस पर प्लेन की सारी वार्निंग लाइट्स एक ही मर्तबा जल जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जहाज का कौन सा सिस्टम ठीक काम कर रहा है और कौन सा काम नहीं कर पा रहा। लेकिन उन्हें हैरत का उस वक्त छदी झटका लगा कि जब सब कुछ करने के बावजूद लैंडिंग गियर का इंडिकेटर नहीं जला, जिस पर कैप्टन बॉब ने डॉन रैपो को ये हुक्म दिया कि वो जहाज के बॉटम कैबिन में जाकर बनी हुई एक छोटी सी विंडो के जरिए देखें कि लैंडिंग गियर खुल भी रहा है या नहीं। डॉन ने वहां पर जाकर देखा तो उसे पता चला कि जहाज के पिछले वाले लैंडिंग गियर्स तो खुल चुके हैं, लेकिन नोज लैंडिंग गियर अभी तक नहीं खुला और उसके बगैर जहाज को लैंड करवाना नामुमकिन था। इस सारी एक्सरसाइज के दौरान कई मिनट गुजर चुके थे और इस दौरान जहाज अपने आप ही 100 फुट नीचे आ चुका था, लेकिन इस बात का इदराक ना तो पायलट कर सके और ना ही क्रू मेंबर्स को पता चला कि जहाज नीचे की जानिब जा रहा है। अगले ही मिनट में जहाज 250 फुट से भी ज्यादा और नीचे आ जाता है। बुलंदी खोने के बाद जहाज के तमाम वार्निंग सायरन्स बजने लगते हैं। ये अलार्म्स बजने के बाद जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लेकिन इस दौरान क्रू मेंबर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मुसाफिरों को इत्मीनान दिला सकें। अगले ही मिनट में ये जहाज अपनी बताई गई 2000 फुट की ऊंचाई की बजाय 1000 फुट पर आ जाता है। इसके बाद कोपायलट स्टॉकस्टिल इस जहाज को 180 डिग्री पर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते और अगले 10 सेकंड में ये जहाज जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है। जब ये प्लेन जमीन से टकराया तो इसकी स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस खौफनाक हादसे के बावजूद 75 लोगों की जान बच गई और बाकी बदकिस्मत 101 लोग जान की बाजी हार गए। बाद में इस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर मलबे से निकलने वाले जहाज के सही पार्ट्स को दूसरे जहाजों के खराब पार्ट्स की जगह यूज कर लिया गया। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसी क्रैश करने की स्टोरी तो हर दूसरे जहाज की होती है, तो फिर ये घोस्ट फ्लाइट किस तरह हुई, तो इस सवाल के जवाब के लिए आपको ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 318 की स्टोरी देखना होगी। 180 मुसाफिरों को लेकर ये जहाज न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इसकी एयर होस्टेस फे मेरीवेदर अपनी सीट से उठती हैं और फूड स्टोरेज की तरफ जाती हैं। एयर होस्टेस ने जूही अवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सामने का मंजर देखकर उनकी सांसें रुक गई। अवन के शीशे में उन्हें एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद डरावना था। एयर होस्टेस ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जब कुछ देर के बाद आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था और वो चेहरा भी वहां से गायब था। मैरी ने सोचा कि शायद ये उसका वहम था, तो उसने दोबारा जब हाथ अवन की जानिब बढ़ाया तो एक मरतबा
मर्तबा फिर वही चेहरा ओवन के शीशे में उसके सामने आ गया। इस मर्तबा उस खौफनाक चेहरे के होंठ भी हिल रहे थे और यूं लग रहा था जैसे वो एयर होस्टेस को कुछ बताना चाह रहा है। एक ही चीज दो मर्तबा होने के बाद मैरी के होश उड़ गए और वो भागी भागी फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और उसे ये सारा वाकया बताया। एयर होस्टेस की बात सुनकर फ्लाइट इंजीनियर को बिल्कुल यकीन ना आया, लेकिन उसे हौसला देने के लिए जब वो उसके साथ फूड स्टोरेज पहुंचा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि एक मर्तबा फिर वो चेहरा शीशे में साफ नजर आ रहा था। अब की मर्तबा उस चेहरे की आवाज सरगोशी में सुनाई भी दे रही थी। वो उन दोनों को ये वार्निंग दे रहा था कि होशियार रहो, कुछ ही देर के बाद इस जहाज में आग लगने वाली है। और इतनी बात करके वो चेहरा एक मर्तबा फिर शीशे से गायब हो गया। मैरी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स कौन है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने फौरी उस चेहरे को पहचान लिया। दोस्तों असल में वो चेहरा उस पहली फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लाइट के क्रू को वार्निंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट 401 के इंजीनियर डॉन रेपो की रूह थी। एयर होस्टेस और फ्लाइट इंजीनियर दोनों ने ये बात जाकर जहाज के तमाम क्रू और पायलट्स को भी बताई, लेकिन वो सब यही समझे कि ये दोनों मिलकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जब वो फ्लाइट मैक्सिको के करीब थी तो जहाज के पायलट को इंजन में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इंजन के ठीक तरह से काम ना करने की वजह से फ्लाइट को वापस न्यूयॉर्क की जानिब मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद इस फ्लाइट ने सेफली लैंड भी कर लिया और फिर इसकी तमाम खराबियां दूर करने के बाद चेक करने के लिए उसे एक मर्तबा फिर उड़ाया गया, लेकिन टेक ऑफ के बाद उसके लेफ्ट साइड का इंजन धमाके के साथ फट गया। ये मंजर देखकर नीचे मौजूद लोगों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। मगर इस दौरान उस फ्लाइट इंजीनियर और एयर होस्टेस को डॉन रेपो की वो वार्निंग्स बार-बार याद आ रही थीं और सभी लोग ये सोच रहे थे कि अगर वो इस जहाज में बैठे होते तो शायद अब तक जिंदा न होते। लेकिन आपको इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये बताएं कि फ्लाइट 318 के जिस ओवन में डॉन रेपो का चेहरा नजर आया था वो ओवन क्रैश कर जाने वाली फ्लाइट 401 ही से निकाल कर लगाया गया था। और दोस्तों इस बात से आपको इन दोनों फ्लाइट्स के कनेक्शन का इल्म हो गया होगा। मगर दोस्तों ये कोई पहला और आखिरी मौका नहीं था कि घोस्ट फ्लाइट 401 का किसी और फ्लाइट से कनेक्शन सामने आया हो। ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट अपने ही एक पैसेंजर जहाज के जरिए ट्रेवल कर रहे थे कि उनकी सीट के साथ यूनिफॉर्म पहने पायलट बैठा हुआ था। दोनों के दरमियान खासी देर तक गुफ्तगू होती रही। अचानक वाइस प्रेसिडेंट के जहन में आया कि अगर पायलट उनके साथ बात कर रहा है तो कॉकपिट में जहाज कौन उड़ा रहा है। ये सोचकर वो उठकर पायलट केबिन की जानिब गए, लेकिन उठने से पहले उन्होंने पायलट के चेहरे को गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। वो फेस घोस्ट फ्लाइट 401 के पायलट बॉब लॉफ्ट का था, जिसे मरे हुए एक साल से ज्यादा अरसा हो चुका था और अब वही एक घोस्ट की शक्ल में उसके साथ बैठा था। इसी तरह ईस्टर्न एयरलाइन की एक और जहाज के चेकअप के लिए जब इंजीनियर उसके अंदर घुसे तो उन्हें फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का भूत वहां पर नजर आया, जिसने उनसे बात करते हुए कहा कि इस जहाज में सब कुछ ठीक है, और ये कहकर वो गायब हो गया। जब इस तरह के वाकयात अक्सर होने लगे तो फिर ईस्टर्न एयरलाइन ने इसके मुतालिक इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता चला कि जिन जहाजों में फ्लाइट 401 के क्रू मेंबर्स दिखाई दिए उन तमाम जहाजों में उसी फ्लाइट का पुराना सामान निकाल कर लगाया गया था, और शायद उस बदकिस्मत फ्लाइट का क्रू मरने के बाद भी अपने फर्ज की अदायगी के लिए ड्यूटी पर मौजूद था। इन तमाम वाकयात पर बाद में जॉन जी फुलर ने द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से किताब लिखी। खैर आप इन तमाम वाकयात को जो भी नाम दें, डॉन रेपो ने मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी और फ्लाइट 318 में बहुत से लोगों की जान बचा ली थी। तो व्यूज कैसी लगी आपको वॉइस डेली की ये डॉक्यूमेंट्री कमेंट करके बताइएगा जरूर, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइएगा। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।